गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और बताइए कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे से होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, अभी टाइम हो रहा है लगभग सुबह के 10:15-10:30 के आसपास का टाइम हो रहा है। और सुबह के जो भी काम होते हैं वो सब निपटाने के बाद अब हो रही है यहाँ पर लंच की तैयारी। और आज मैं लंच में बनाने वाली हूँ आलू गोभी और मटर की सब्जी। साथ में बनाऊँगी बूंदी का रायता और पूड़ी। तो ये सब मैं क्यों बना रही हूँ ये आपको जो है आगे वीडियो में देखने को मिल जाएगा। तो वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा। और आगे वीडियो में आपको जो है मेरा करवा चौथ का जो गिफ्ट है वो भी देखने को मिल जाएगा। मेरा जो गिफ्ट था, मैंने आपको बताया था कि ऑनलाइन ऑर्डर किया है, वो आ गया है, तो वो भी जो है आगे देखने को मिलेगा। तो पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो देखिए, सारी तैयारी यहाँ पर मैंने कर ली थी। उसके बाद मैंने कढ़ाई रख दी, उसमें ऑयल डाल दिया। ऑयल गर्म हो गया तो जीरा डाल दिया, हींग डाल दी। जैसे जीरा चटक गया, प्याज और हरी मिर्च डालने के बाद उनको हल्का सा सौटी कर लिया। और उसके बाद ये मटर आलू और जो गोभी थी मैंने ये डाल दी। इसको थोड़ी देर के लिए जो है 1/2 से 1 मिनट ऑयल में अच्छे से हमने थोड़ा सा जो है फ्राई कर लिया। और उसके बाद हमारे जो सब्जी के ड्राई मसाले होते हैं जो हम डेली यूज़ करते हैं, बस वही सारे मसाले मैंने यहाँ पर ऐड कर दिए हैं। और उसी के साथ टेस्ट अकॉर्डिंग सॉल्ट डाल दिया है। सभी मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे जिससे कि वो अच्छे से जो है सब्जी में मिक्स हो जाएं। और सब्जी हम सूखी ही बनाने वाले हैं बिना ग्रेवी की, तो पानी इसमें यूज़ नहीं करेंगे। बस गैस को एकदम लो फ्लेम पर कर देंगे और ढककर जो है सब्जी को लो फ्लेम पर ही पकने देंगे। तो देखिए, यहाँ पर सब्जी जो है लगभग 70-80% पक गई है। उसके बाद यहाँ पर मैंने डाल दिए हैं टमाटर। उसके बाद फिर से हमने सब्जी को ढक दिया है। और इतने में यहाँ पर जो आटा था वो मैंने लगा कर रख दिया है। आटे में मैंने थोड़ा सा नमक भी डाल लिया है क्योंकि पूड़ियाँ बनाएंगे तो पूड़ियों में अगर नमक होता है तो वो और अच्छी लगती हैं। उसके साथ ही यहाँ पर मैं काट लेती हूँ सब्जी के लिए फ्रेश हरा धनिया। तो धनिया को मैंने अच्छे से देख कर धो लिया था और बस यहाँ पर जो धनिया है वो मैं काट कर जो है सब्जी में डाल दूँगी। तो जैसा कि आपको बताया कि ये सब बनाने का क्या रीज़न है, असल में कल ना नाइट में मेरे पापा जी आ गए थे। एक्चुअली हुआ क्या है कि मेरी मामी जी है ना, उनकी तबीयत ख़राब थी, उनको जो है डेंगू हो गया था। तो वो यहीं इटावा में ही जो है एडमिट थी किसी हॉस्पिटल में। तो मुझे भी ये चीज़ जो है कल ही पता चली जब पापा जो है घर पर आए थे। तो पापा जी जो है उनको देखने के लिए आए थे, तो हॉस्पिटल से जो है फिर उनको थोड़ा सा लेट हो गया था, तो फिर वो घर जाने की बजाय यहीं जो है आ गए थे मेरे घर। तो बस पापा जी जो है रुके हुए हैं कल रात से। और मामी जी का ये था कि वो जो है कल उनका हॉस्पिटल में जो है लास्ट डे था, उसके बाद वो कल ही छुट्टी कराकर चली गई थी अपने मायके। घर नहीं गई थी, यानी मेरी ननिहाल नहीं गई थी, वो अपने मायके चली गई थी। तो मामा जी भी उनके साथ गए थे। तो मामा जी आज वहाँ से जो है लौट कर, यानी अपने ससुराल से लौट कर जो है वो भी यहाँ आने वाले हैं पापा से मिलने। फिर यहाँ से साथ में ही पापा और मामा दोनों निकलेंगे। तो इसी वजह से जो है मैं ये खाना बना रही थी पापा जी के लिए और मामा जी के लिए। पापा जी अभी जो है यहीं पर हैं, थोड़ी बहुत देर में मामा जी भी आ जाएंगे। तो सोचा था सब्जी रायता वगैरह बनाकर रख देती हूँ और जब आ जाएंगे तब तुरंत की तुरंत पूड़ियाँ निकाल दूँगी। तो यहाँ पर सब्जी वगैरह मेरी बन गई थी, आटा मैंने लगा कर रख दिया था, रायता जो है जो दही था वो फेंट कर रख दिया था। इतने में जो है थोड़ी बहुत देर में मामा जी भी आ गए थे। तो बस यहाँ अब मैंने रख दी है बनने के लिए चाय। और साथ के साथ ही यहाँ पर मैं निकाल लेती हूँ चाय के साथ बिस्किट और नमकीन। और अभी ना आज इतना परेशान कर रहा था क्योंकि जब भी कोई न्यू गेस्ट घर पर आता है ना, जिसको अभी ने ज़्यादा नहीं देखा है, जिससे ज़्यादा नहीं मिला है, तो वो बहुत रोता है और बहुत परेशान करता है। तो वो यहीं मेरे ही आसपास जो है किचन में ही मंडरा रहा था, रूम में नहीं जा रहा था। जब तक पापा जी थे तब तक तो खेल रहा था क्योंकि पापा जी को तो अच्छे से जान गया है, मामा जी को नहीं जानता है। तो बिल्कुल भी रूम में नहीं जा रहा था, बहुत रोए जा रहा था। तो बहुत ही मुश्किल से जो है मैं काम कर पा रही थी। बाबू स्कूल गई हुई थी, हस्बैंड जो है ऑफिस चले गए थे, तो मैं ही अकेली थी, उसको भी देख रही थी और साथ के साथ काम भी कर रही थी। तो कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ वो जो है बार बार आ रहा था और रोए जा रहा था। तो बहुत ही मुश्किल से मैं जो है खाना वगैरह बना पाई थी। यहाँ पर आप देख ही सकते हैं, बार बार किसी ना किसी बहाने से यहीं पर है, रूम में वो नहीं जा रहा था। यहाँ पर देखिए अब रोने लगा है।
मामा जी थे ना, तो बिल्कुल भी जो है रूम में रुक ही नहीं रहा था, तो मुझे काफ़ी दिक्कत हो रही थी। और ऐसे टाइम पे सच में मुझे काफ़ी दिक्कत हो जाती है, यही इसी वजह से कि एक रूम है, तो कोई गेस्ट वगैरह आ गए तो उसमें बैठ जाते हैं, फिर बच्चों के लिए कोई जगह नहीं बचती है, तो बच्चे फिर रोते ही रहते हैं। स्पेशली अभी जो है नया कोई इंसान आता है ना, तो वो ऐसे ही करता है। तो देखिए, चाय वगैरह मैंने दे दी थी, उसके बाद फिर मैं लग गई खाने की तैयारी में। यहाँ सैलेड वगैरह मैंने कट कर दिया है, रायता भी मैंने बना कर रख दिया है, और अब नंबर आ गया है यहाँ पूरी सेकने का। तो जब तक ऑयल गर्म हो रहा था, तब तक यहाँ पर मैंने कुछ जो है पूड़ियाँ बेल ली थी एक साथ, ताकि एक साथ सेक दूंगी ना तो खाने को एक साथ मैं दे दूंगी, और फिर तो बनाती रहूंगी, साथ के साथ जो है खाते रहेंगे। तो यहाँ पर सब्जी हमारी रेडी ही थी, रायता रेडी था, तो बस यहाँ पर मैंने दो कटोरियों में जो है सब्जी थी वो निकाल ली है, और दो कटोरियों में मैं ले लूँगी रायता, और सैलेड में मैंने खीरा और जो प्याज था वो कट कर कर जो है रख लिया है, साथ में उसमें नमक डाल दिया है। तो बस यहाँ पर सब्जी और रायता मैंने निकाल दिया है, साथ के साथ जो गर्मा गर्म पूड़ियाँ हैं वो भी मैं सेक लेती हूँ, और फिर मैं दे आऊँगी खाना, क्योंकि मामा जी को जो है निकलना है, और मामा जी के साथ ही जो है पापा जी भी निकल जाएंगे, तो मामा जो है अपने घर चले जाएंगे, यानी मेरे ननिहाल चले जाएंगे, और पापा जी जो है रोड से बस पकड़कर घर निकल जाएंगे फिरोजाबाद। इस वजह से मुझे थोड़ा जल्दी थी, और अभी भी जो है परेशान कर रहा था, तो बहुत जल्दी जल्दी में जो है मैं, देखिए आप अभी के पैरों को देखकर समझ सकते हैं, वो इतना रो रहा है, मैंने उसको बेड पर लेटा दिया था, तो काफी तेज वो रो रहा था, बट क्या करूं, काम करना था, खाना तो खिलाना ही था। तो बस यहाँ पर मैं दे आई हूँ खाना, और देखिए सामने जो चेयर पर बैठे हैं वो है मेरे मामा जी, और बेड पर बैठे हैं पापा जी। पापा जी को तो आपने देखा ही होगा, तो बस यहाँ को अभी को मैंने लिटा दिया था, उसको जो है दे दूंगी दूध, क्योंकि दूध पी रहा था वो, उसका खत्म हो गया था, इस वजह से रोने लगा था। तो यहाँ पर उसको दूध दे दूंगी, और दूध पीने के बाद ना फिर वो थोड़ी देर में सो गया था, तो फिर जो है मुझे काफ़ी आराम हो गया था। और यहाँ मैंने जो है हस्बैंड को भी कॉल कर दिया है कि वो भी आकर जो है खाना खा जाएं गरम गरम, क्योंकि मैं खाना जो है बना ही रही थी। तो यहाँ पर बस खाना दे दिया था, पानी दे दिया था, और अभी को दूध दे दिया है, लिटा दिया है जिससे कि वो सो जाए, तो दूध पीकर थोड़ी देर में वो सो गया था। और यहाँ पर फिर से जो है मैं आकर बनाने लगी थी पूड़ियाँ गर्मा गर्म, तो एक साथ ही मैंने जो है 6-7 पूड़ी सेक दी थी, उसके बाद फिर मैं सेकती जा रही थी, देती जा रही थी। तो बस यहाँ पापा जी का और मामा जी का खाना हो गया है, और मामा जी ने ज़्यादा नहीं खाया था, वो बोल रहे थे कि खा कर आया हूँ, तो जितना उन्होंने खाना था बस खा लिया था, और हस्बैंड भी आ गए थे, फिर मैंने उन्हें भी दे दिया है खाना। और बस थोड़ी बहुत देर बाद ही मामा जी और पापा जी जो है चल दिए हैं, तो बस यहाँ पर मैं खड़ी हुई ही कर रही थी उनको विदा, तो पापा जी बोल रहे थे कि बस अब चल रहे हैं, उनका ठीक है। यहाँ पर देखिए मामा जी और पापा जी निकल गए हैं, और उसके बाद थोड़ी देर बाद ही हस्बैंड भी निकल गए हैं, और अभी जो है सो गया है। गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और बताइए कैसे हैं आप सब। तो फ्रेंड्स, अब जो है टाइम हो रहा है दोपहर के 1:30 बज रहे हैं, और पापा और मामा जी चले गए हैं जैसा कि अभी आपने देखा, और हस्बैंड को भी मैंने कॉल कर दिया था खाना खाने के लिए, तो वो भी खाना खाकर अब चले गए हैं। मैं रह गई हूँ, अभी मैंने खाना नहीं खाया है, और यहाँ पर देखिए अभी सो गया है। बहुत परेशान करता है, कोई भी नया इंसान आता है ना तो बहुत परेशान करता है। बड़ी मुश्किल से मैंने जो है खाना बनाकर खिला पाया है पापा को और मामा जी को। मामा जी ने ज़्यादा नहीं खाया क्योंकि वो खाकर ही आए थे। तो बस अब मैं अपने लिए 2-4 पूड़ी बनाऊंगी, अपने लिए क्या सारी ही बना दूंगी जो भी बनानी है, बाबू के लिए भी और अपने लिए। किचन की हालत देखिए आप, देखिए किचन की हालत क्या हो रही है। तो सबसे पहले खाना पूड़ी बनाकर खा लूँगी, उसके बाद फिर सारा जो किचन है वो मुझे समेटना है। और आंगन में भी देखिए कपड़े सारे फैले पड़े हैं, कल मशीन लगाई थी बट सुबह से जो है टाइम ही नहीं मिला कपड़े, सुबह से क्या, सुबह तो सूखे ही नहीं थे, फिर उसके बाद टाइम नहीं मिला क्योंकि अब मौसम वैसा होने लगा है तो सूखते नहीं हैं, और कल दिन के बाद ही मैंने लगाई थी क्योंकि 2-3 दिनों से जो है बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, तो ऐसा ही सारा काम जो है ऐसा ही लेट हो रहा है, रूटीन जो है गड़बड़ा गया है इस टाइम। तो बस अब जाती हूँ, और हाँ जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था
कि मेरा जो गिफ्ट था वो मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया हुआ था करवा चौथ का, तो वो जो है आ गया है। तो देखिए ये बॉक्स में है मेरा करवा चौथ का गिफ्ट जो मैंने ऑनलाइन ऑर्डर कराया था हस्बैंड से, करवा चौथ से एक दिन पहले ही हस्बैंड ने ऑर्डर किया था, तो ये जो है कल शाम को आ गया था। तो इसमें क्या है, मैंने क्या मंगाया था, वो आपको जो है आगे देखने को मिलेगा। तो इसकी जो अनबॉक्सिंग है वो हो चुकी है, अभी ये खाली बॉक्स है। तो जब इसकी जो अनबॉक्सिंग थी ना वो हस्बैंड ने सुबह ही कर दी थी, तो तभी मैंने वीडियो शूट कर लिया था। तो आगे मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी कि इसमें क्या मैंने मंगाया है क्या नहीं। और जैसा कि उस दिन भी मैंने आपको बताया था कि आप चाहें तो इसे गिफ्ट समझ सकते हैं, चाहें मेरी ज़रूरत, मुझे ज़रूरत थी इस चीज़ की, तो फिर इस वजह से ये जो है मैंने हस्बैंड से बोल कर ये मंगा लिया है। तो क्या है वो आपको आगे देखने को मिल जाएगा। तो चलिए इस व्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ, बट हाँ आगे का क्लिप ज़रूर देखिएगा, उसमें इस बॉक्स में क्या है, मैंने क्या मंगाया था। तो चलिए चलती हूँ, मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। तो देखिए यहाँ पर हो रही है बॉक्स की अनबॉक्सिंग, और ये जो है हस्बैंड ने सुबह ही कर दी थी, जिस दिन ये वीडियो बनाया था उस दिन सुबह, तो सुबह ही मैंने शूट कर लिया था। और यहाँ पर आप साइड में देख रहे होंगे पापा जी दिख रहे हैं, तो बस अभी और हस्बैंड बैठे हुए हैं। तो ये देखिए बॉक्स खुल चुका है, और अब तो देखकर शायद आप समझ ही गए होंगे कि इसमें जो है क्या है, मैंने क्या मंगाया है। तो हाँ मैंने मंगाया है मॉप, क्योंकि अब जो है विंटर आ रही हैं, और विंटर में ना मुझे पानी से जो है बहुत प्रॉब्लम हो जाती है हैंड्स वगैरह में, जैसे कि आपने मैंने आपको पिछले साल भी मैंने बताया था, दिखाया था कि मेरे जो हैंड्स हैं ना उनमें लाल लाल से चकते हो जाते हैं ज़्यादा पानी में काम करने से। तो वैसे मुझे ना सच बताऊं तो अभी भी मैंने मंगा तो लिया है, लेकिन मुझे हाथ से ही ज़्यादा सुविधा रहती है, बट ये होता है ना कि थोड़ा अपना भी ख्याल रखना होता है, तो इस वजह से ये मैं काफ़ी टाइम से लेना जा रही थी। और फिर फाइनली करवा चौथ पर ही मैंने हस्बैंड से बोला था कि कुछ और नहीं तो कम से कम यही दिला दीजिए, तो फिर हस्बैंड ने ये जो है ऑर्डर किया था एक दिन पहले, और अब ये आ गया था। तो बस आज हस्बैंड ने कर दी है अनबॉक्सिंग, तो वही जो है इसको सेट वगैरह कर रहे थे, इसीलिए मैंने हस्बैंड से ही करा लिया था कि वो अच्छे से कर देंगे। तो बस यही था मेरा गिफ्ट, आप इसको चाहें गिफ्ट समझिए, चाहें आप मेरी ज़रूरत, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था आपको। तो बस ये आ चुका है, और अब जो है इसी से जो है मैं पोंछा लगाया करूँगी, तो विंटर में मेरे लिए जो है काफ़ी सुविधा हो जाएगी, जो मेरे हाथों में चकते वगैरह हो जाते हैं तो वो जो है इतने नहीं होंगे। इसके अलावा भी वैसे बहुत से पानी के काम होते हैं, बट कम से कम एक काम तो जो है छूट जाएगा। तो बस यही था, तो फाइनली आपको दिखा दिया है कि मैंने क्या मंगाया था क्या नहीं। तो यही था, तो देखिए हस्बैंड ने पूरा अच्छे से कर दिया है इसको सेट, बता भी दिया है कि ऐसे ऐसे करना है। तो आशा करूँगी आपको जो है ये अच्छा लगा होगा, और मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा।